सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके यस सर। हाँ बताइए क्या कंफ्यूजन था किसी को? किसी ने कुछ सर करके क्वेश्चन पूछा था उस समय? यस सर, वो हम पूछ रहे थे सर कि एग्जाम्स का, सेकेंड ईयर के एग्जाम्स का कुछ अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है। नहीं बेटा अभी कोई नहीं आई है, और इसको आप अलग से फोन करके आप कंफर्म किए कर लिए हैं, ठीक है? अलग से फोन करके, इसमें नहीं, ओके सर, ओके सर। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आप फोन करके अलग से, क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड होती है आपकी, ठीक है? ठीक ओके सर। है, ओके, थैंक यू। आज की इस मीटिंग का हमारा टॉपिक है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासों में इसको यूज भी किया है और इसके आउटपुट को देखा है, तो आज हम इसी सिल्क स्क्रीन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? सिल्क स्क्रीन यानी कि सिल्क यानी एक नायलॉन का एक क्लॉथ यानी कि कपड़ा, और स्क्रीन यानी कि स्क्रीन यानी कि एक फ्रेम, यानी कि एक फ्रेम में सिल्क या लैलॉन के कपड़े को कसकर उसकी सहायता से प्रिंट करना, ये हमारा कहलाता है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। यानी कि इसमें सिल्क के कपड़े का प्रयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के ये कपड़े मार्केट्स में उपलब्ध होते हैं, और पहले ये मेस के आधार पर बनते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये जो क्लॉथ है हमारा सिल्क का, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये नंबर के आधार पर चलते हैं, ठीक है? जैसे 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर, 120 नंबर, 140 नंबर, 160 नंबर, इस तरीके से। तो ये जितने भी क्लॉथ हैं हमारे, अब ये नंबर के हिसाब से चलते हैं, यानी कि जितना नंबर हमारा कम होगा, यानी कि जितना नंबर हमारा कम होगा, जैसे 60, 80, 100, इस तरीके से, और भी कम, जैसे 40 नंबर, 60 नंबर। तो इसमें ये नंबर का मतलब हमारा यहाँ से है, जैसे आप इस कपड़े को देखें यहाँ पर, ठीक है? ये कपड़ा है, ठीक है? ये एक आपका सिल्क का कपड़ा है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को, चूंकि वाइटी है इसलिए आपको थोड़ा सा, तो ये मे बी 140 या 120 मिस के आसपास का है ये, ठीक है? ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा है कि आप इसको देख पा रहे होंगे कि इस पे ट्रांसपेरेंट तो मुझे दिख रहा है, बट उसमें देखिए सघनता यानी इंटेंसिटी देखिए वहां पर आपकी ज्यादा है, ठीक है? इसी तरीके से जब हम कोई 60 नंबर का कपड़ा लेंगे, कोई 40 नंबर का कपड़ा लेंगे, तो ऐसे समझिए कि ताने बाने में वो थोड़ा सा बिरर सा हो जाएगा, थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। तो उस कपड़े का जो हमारा यूज है, हम जो बोल्ड हमारे लेटर्स होते हैं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जो बड़े लेटर्स होते हैं, जैसे कि 20 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, 30 नंबर, जो लेटर्स जैसे हम लोग फॉन्ट चूज करते हैं ना, जैसे कि 8 बिट है, 10 बिट है, 11 है, 12 बिट फॉन्ट लेते हैं, इसी तरीके से 20 है, 30 है, 40, ऐसा हम कोई फॉन्ट लेते हैं तो वो थोड़ा बड़े साइज में आ जाते हैं, तो उनके लिए हम 40 नंबर, 60 नंबर कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, तो प्रॉपर तरीके से अच्छे से उनकी वहां पर प्रिंटिंग मुझे प्राप्त होगी, ठीक है? इसके बाद में यदि हम इसी कपड़े को 100, 120, 140, 160 जैसे हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो जैसा कि मैंने अभी आपको एक क्लॉथ दिखाया था, तो ये 120 मीटर का, तो ये इसका जो ताना बाना है बहुत ही मतलब कि घना बिना हुआ है, बिल्कुल बहुत ही घना बिना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, घना है तो इससे क्या होगा, इससे दो बेनिफिट्स होंगे। मान लीजिए कोई 16 नंबर, कोई 20 नंबर,
का कोई लेटर है और उसके साथ साथ हमारे पास में 10 पॉइंट बिट या 8 पॉइंट बिट या 6 पॉइंट बिट या 6 या मान लीजिए 8 है 9 6 भी बहुत छोटा होता है, और जैसे 8 है 9 8 है, ये सारे जो 10 या 10 के जो नीचे होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। यदि उन लेटर्स का मुझे वहां पे इस्तेमाल करना पड़े तो हम उसके लिए ज्यादा मेस के कपड़े का ज्यादा मेस यानी कि नंबर जो हमारा ज्यादा रहेगा कपड़े का, यानी कि ज्यादा नंबर के कपड़े को वहां पर हम यूज करेंगे अपने फ्रेम में। अब जब उसको हम यूज करेंगे तो उसमें जो आप सवाल ये भी उठता है कि क्या उससे बोल्ड लेटर बन जाएंगे, हाँ उससे भी हमारे बोल्ड लेटर निकल आएंगे। क्योंकि यदि आप ज्यादा नंबर मेस के कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है, और जब हम कम नंबर के कपड़े का इस्तेमाल करेंगे तो उसका रेट थोड़ा सा कम होता है। तो मोटे प्रिंटिंग के लिए कम नंबर का प्रयोग करते हैं और बारीक और महीन प्रिंटिंग, और यह मिक्स भी है बोल्ड टू मीडियम या कम में लेटर्स हमारे वहां पे हैं तो उसके लिए हम वहां पर फिर 120 140 ऐसे हम मिस नंबर का वहां पर प्रयोग करेंगे। तो उसमें वो लेटर्स भी निकलेंगे जो बिल्कुल छोटे पॉइंट बिट के हैं, जैसे 6 है आपका, 9 है आपका, 10 है, तो जो छोटे साइज के जो लेटर्स है हमारे तो वो भी मुझे वहां पर निकलेंगे, और बड़े तो निकलेंगे ही। तो इस तरीके से आप जब शादी का कार्ड देखते हैं तो वहां पर मिसिलिनियस फॉन्ट होते हैं बहुत सारे, और साथ साथ वहाँ कर्सिव लेटर राइटिंग होती है, लेटर्स वहाँ छोटे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, अब बड़े भी होते हैं। अदरवाइज अन्य किसी और आप कोई प्रिंट करना चाहते हैं तो उसमें भी जो लेटर्स हमारे वहाँ पर होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए बेसिकली हमें ज्यादा नंबर के कपड़े का यूज करना होता है, ठीक है। और ये तो एक प्रिंटिंग प्रोसेस है। अब बात करते हैं एक फ्रेम की। तो इस प्रिंटिंग के लिए हमें लकड़ी या एल्युमिनियम का जो फ्रेम होता है उसका प्रयोग करना पड़ता है। और लकड़ी और एल्युमिनियम में जो भी हम प्रयोग करते हैं, पहले हम लकड़ी के फ्रेम की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो लकड़ी का फ्रेम बना बनाया मार्केट्स में उपलब्ध रहता है और पूरा भी बना बनाया रहता है, लेकिन स्वयं से बनाते हैं तो वो अच्छा फ्रेम बनकर तैयार होता है। तो लकड़ी का फ्रेम अलग से परचेस करके, कपड़े को अलग से परचेस करके नंबर के आधार पर जब हम उसको तैयार करते हैं तो तैयार करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो यह है कि जब हम उस कपड़े को लाते हैं तो जब कोई नया कपड़ा लाते हैं तो उसको हम वॉश करते हैं, धोते हैं, तो धोते समय उसको अच्छे से फुला दिया जाता है थोड़ी देर, और फिर उसको पानी से धोया जाता है सर्फ की सहायता से। तो उसका हम लोग माड़ निकालते हैं। माड़ क्यों निकालते हैं? माड़ निकालने से जो उसके ताने बाने में जो भी कोई रेशा फंसा होगा, कोई डस्ट फंसी होगी, तो वो प्रॉपर तरीके से खुल जाएगी वहां पर, और प्रॉपर तरीके से कपड़ा जो है हमारा वो वहां पर तैयार हो जाएगा। क्लॉथ जो है हमारा पूरी तरीके से वहां पे फिनिश हो जाएगा, तैयार हो जाएगा प्रिंट लिया। इसके बाद में ये तो कपड़े को भिगो कर आपने रेडी कर लिया। अब जब फ्रेम को मुझे कसना होगा, जब मुझे यहाँ पर फ्रेम को कसना होगा तो फ्रेम को कसते समय हमें क्या करना होगा कि जो हमारा लकड़ी का फ्रेम है उसको भी मुझे 10 से 15 मिनट पहले पानी में उसको वॉश करना होगा, यानी कि 10 से 15 मिनट पहले मुझे उसे पानी में वॉश करना होगा। और साथ ही साथ जो कपड़ा पहले आपने जो धुल के यहाँ पे रखा हुआ है उसे भी मुझे वॉश करना होगा, यानी कपड़े को भी दोबारा उसको 10 मिनट पहले हमें पानी में भिगो के रखना होगा, उसको सुखाना नहीं है, पानी में उसको मुझे रखना होगा। ओके, जब मुझे 15 मिनट हो जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम अपने फ्रेम को निकालेंगे और कपड़े को भी निकालेंगे, और साथ साथ यदि आपके फ्रेम में आपको स्टेपलर करना हो तो डोरी के साथ में हम उसे स्टेपलर करते हैं। अदरवाइज यदि आपके फ्रेम में नाली बनी हो, जो एक नाली बनी होती है, एक आपका डोरी होता है नाड़ा के तरीके से गोल सराउंडेड, तो
तो उसमें क्या करेंगे, तो उसको उस नाली में पुश करेंगे कपड़े के साथ में, और जो हमारी कील होती है, कील की सहायता से उसे हम कस देते हैं। तो कसते समय हमें ध्यान देना होता है, कपड़े को प्रॉपर उसको मुझे पकड़ना होता है, फ्रेम को पकड़ना होता है, और प्रॉपर तरीके से उसे मुझे कसना होता है। अब मैंने गीला क्यों कराया, इसलिए मैंने गीला कराया कि जब हम फ्रेम को और कपड़े को और डोरी को जब हम गीली अवस्था में यूज करते हैं, तो जो उसका वेट है, जस्ट फ्यू मिनट, थोड़ा सा ओके तो वो थोड़ा सा वेट में वहां पे भारी हो जाता है, तो और इसके बाद में वो प्रॉपर वहां पे सेट हो जाता है, और सेट होने के बाद में जब हम उस फ्रेम को सूखने के लिए रखते हैं, और लाइट धूप में, ज्यादा तेज धूप में नहीं, ज्यादा धूप छाव का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो, एक लाइट वहां हल्की सी हो, उसको वहां पर सूखने के लिए रख देते हैं। तो जब ये सूखता है तो फ्रेम विथ आपका जो क्लॉथ है वो प्रॉपर एक दूसरों को अच्छे से कस लेता है आपस में। जैसे आप लोग ने ढोलक देखी होगी, तो ढोलक में जो आप कसाव देखते हैं, तो जब आप ऐसे मारते हैं उसमें तो एक आवाज एकदम आती है। तो इस तरीके से जब फ्रेम हमारा वो सूख के रेडी होगा, तो वो फ्रेम प्रॉपर तरीके से वेल मेंटेन होगा और प्रॉपर वो वर्क करेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यदि उस फ्रेम को हम गीला ना करें, या मान लीजिए उस कपड़े को यदि हम गीला ना करें और ऐसे ही कस दें, तो फिर क्या दिक्कत आएगी। यदि कहीं पे भी मान लीजिए आपने लेटर को एक्सपोज किया 5 5 स्टार फिल्म के माध्यम, सिर्फ 5 स्टार की बात कर रहा हूँ अभी, और भी प्रोसेस है उसका भी डिस्कस यहाँ पे करूंगा। तो मान लीजिए 5 स्टार से आप करते हैं, तो उसमें तो एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन जब उस 5 स्टार फिल्म को जब आप उसको पेस्ट करेंगे आप अपने स्क्रीन फ्रेम पे, तो प्रिंटिंग के समय वहां पर वो लेटर प्रिंट नहीं होगा। सबसे पहली मिस्टेक ये है हमारी वहां पर, यदि हमने कपड़े को नहीं अच्छी प्रकार से साफ किया है, तो लेटर जो है वहां पे हमारा प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहली गलती वहां पे हो गई कि लेटर नहीं निकला। अब कोशिश करते हैं कि स्क्रीन में देखने की दिख तो रहा है, देखिए क्लॉथ तो आर पार उसको दिखाएगा, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि उस पे माड़ फंसा हुआ है, तो इंक उस माड़ में फंस जाती है, तो लेटर जहां पे साफ होगा तो आ जाएगा, आधा आएगा या कम आएगा या पूरा ही नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में वो इमेज आपका खराब हो जाएगा। इसलिए वो प्रॉपर तरीके से वहां पर मुझे उसको साफ करना होता है। अब दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, दूसरी मिस्टेक कहाँ पर होती है, ऐसे समझिए कि दूसरी मिस्टेक हमारी कहाँ पे होती है, दूसरी मिस्टेक हमारी होती है कसने में। कसते समय यदि आपने उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कसा, मान लीजिए कहीं से हल्का सा वो झोल मर गया या हल्का सा कहीं क्रेक हो गया, तो वहां से वो चीज हट जाती है, यानी कि जो उसका वहां पर जो ताना और बाना है वो प्रॉपर तरीके से प्रिंट आपको नहीं देगा, क्योंकि स्क्रीन लूज है, और स्क्रीन लूज होने की वजह से जब हमने उसके में स्क्रेपर दिया, तो स्क्रेपर का दाब देने पर वो क्लियर ही नहीं हुआ वहां से। तो उसके लिए बिल्कुल 90 डिग्री, यानी कि जो आपका एंगल, आप जो व्यू है फ्रेम का, देखिए हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो वो मुझे 90 डिग्री पे होना बहुत जरूरी है।
तो कपड़े को भी प्रॉपर सीधा और 90 डिग्री पर रख कर उसको हर तरफ से मुझे प्रॉपर अच्छे से पकड़ कर कसना होगा, और जिससे वो स्क्रीन वहां पर क्लियर हो सके। तीसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रिंटिंग के समय या यदि आप 5 स्टार से मान लीजिए स्क्रीन को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन को धोते समय हाथ में किसी प्रकार का ऑयल या क्रीम कोई ऐसी चीज ना लगी हो जिसमें चिकनाहट होती है। उससे क्या होगा, आपने तो हाथ में लगा लिया, आपको पता नहीं चला, जब आपने उसको वॉश किया स्क्रीन को, तो वो चीज एक लेयर बन के उस पे वहां पर कोडिंग हो गई। फिर वो बिना साबुन के या ऐसे धोने पर वो चीज मुझे वहां पर नहीं जाएगी, या फिर उसे यदि हमने 5 स्टार को चिपका दिया है, कभी तो पता चलेगा नहीं चिपक रहा है, तो फिर आपका 5 स्टार बेकार हो गया। तो स्क्रीन को धोते समय हाथ बिल्कुल वहां पर साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। ये जो नॉर्मल जो मिस्टेक्स होती है एक प्रिंटिंग के समय, ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं प्रिंट को हमारे यहाँ पर खराब कर देती है, तो उसका मुझे वहां पर बेसिक रूप से वहां पर मुझे ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिल्म की, या उस प्रोसेस की जिस प्रोसेस में मुझे वहां पर प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 प्रोसेस हैं। पहला जो हमारा प्रोसेस है, जो आप लोगों ने सीखा भी है यहाँ पर, 5 स्टार फिल्म प्रोसेस। दूसरा जो हमारा यहाँ पर प्रोसेस है वो है क्रोमो लिथोग्राफी फिल्म, क्रोमो लिथोग्राफी फिल्म प्रोसेस फॉर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। और जो हमारा तीसरा टॉपिक है यहाँ पर वो है आपका पीबीए ब्लैकोमेट, मिनिमल प्रोसेस फॉर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। यानी कि दो जो प्रोसेस मैंने ऊपर आपको अभी बताए हैं, वो एक फिल्म प्रोसेस है, क्रोमोलिन भी एक फिल्म होती है और 5 स्टार भी एक फिल्म होती है, लेकिन जो तीसरा प्रोसेस मैंने बताया है वो है मैनुअल प्रोसेस, जो कि पीबीए प्लस ब्राइकोमेट से हमारा तैयार होता है। तो उसमें हमें अपनी फिल्म को मैनुअली तरीके से तैयार करना होता है। वो कैसे तैयार करते हैं आप थर्ड ईयर में उसे भी सीखेंगे यहाँ पर, कैसे वो चीज तैयार होती है, कैसे हम फिल्म को तैयार करके एट ए टाइम आप अपने वर्क को किसी कस्टमर को दे सके, या अपने पर्पस से आप यूज कर रहे हैं तो अपने पर्पस से आप उसका वर्क को यूज इस्तेमाल कर सके। तो यदि आपके पास इनमें से कोई फिल्म नहीं है तो हम फिल्म को कैसे तैयार करेंगे एक स्क्रीन के ऊपर, आप इसमें ये सीखेंगे, ठीक है। तो 5 स्टार आपने सीखा भी है, चलते हैं एक संक्षेप में उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि इसलिए ये जरूरी है कि इसी फिल्म के ऊपर हमारी कोमोलिन फिल्म जो है वो बेस्ड है। यदि आपने इसको समझ लिया तो आप क्रोमोलिन फिल्म को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे, ठीक है। तो समझिएगा इस विषय में, तो सिल्क स्क्रीन में हमने जो पहला प्रोसेस यहाँ पर लिया है वो है हमारा 5 स्टार फिल्म प्रोसेस। देखिए 5 स्टार फिल्म मैं आपको दिखाता हूँ एक फ्रेम की सहायता से, तो उसको आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। सर माइक ऑफ है आपका।
ओके, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पर, ये किसी भी कलर में आपको मिल सकती है। ब्लू भी मिल सकता है आपको, पिंक भी मिल सकता है आपको, रेड भी मिल सकता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। ये हमारा जो ये जो एक इमेज आप देख रहे हैं जो यहाँ पर एक्सपोज की गई थी, तो ये हमारा 5 स्टार फिल्म के प्रोसेस से था। 5 स्टार फिल्म एक लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है जिसके ऊपर यहाँ पर इमल्शन की कोटिंग की हुई होती है जो लाइट से एक्सपोज होकर हमारे सब्जेक्ट को एक्सपोज करती है। ठीक है, और इस फिल्म को यूज कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले इस फिल्म को लाइट में नहीं देखा जाता है, उसको एक डार्क रूम में देखा जाता है जिससे सन की लाइट डायरेक्ट इस स्क्रीन पर ना पड़े, क्योंकि सेंसिटिव टू लाइट, क्योंकि ये लाइट के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए ये फिर एक्सपोज हो जाएगी, तो आपका फिल्म जो है आपका ये खराब हो जाएगा। तो इसे मुझे डार्क रूम में देखना है, और डार्क रूम में ही अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो मुझे प्रिंट करना होता है उसके अनुसार, इसमें इसके अनुसार हम इस स्क्रीन को काट लेते हैं। काटने के बाद में जो प्रिंट हमारा टिकनोवा शीट पे या जो प्लास्टिक शीट पे हमारा प्रिंट होता है, उस प्रिंट को हम सबसे नीचे रखते हैं, और नीचे रखने के बाद में यहाँ पर मुझे इस फिल्म को रखना होता है। अब इस फिल्म को भी समझिएगा, इस फिल्म में हमारे यहाँ पर दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव पार्ट होता है और दूसरा हमारा नेगेटिव पार्ट होता है, या यूं कह लें कि फ्रंट और बैक। यदि हम फ्रंट की बात करेंगे तो जब आप उसमें देखेंगे तो एक तरफ साइन करेगा और एक तरफ साइन नहीं करेगा। जिस तरफ साइन करता है उस तरफ इसके ऊपर एक पतली सी प्लास्टिक की एक परत लगी होती है जो कि बाद में निकल जाती है, तो वो साइन करती है वहां पे। ठीक है, तो वो हमारा सीधा हिस्सा होता है, यानी कि फ्रंट हिस्सा हमारा होता है, और जो दूसरा हिस्सा होता है बैक पोर्शन, वो हल्का सा खुरदरा या मान लीजिए रफ होता है। ठीक है, और फिल्म दोनों तरफ एक्सपोज हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है कि आप फिल्म इधर से एक्सपोज कराएं, लेकिन इधर से क्यों एक्सपोज कराते हैं, जैसे ऑफसेट प्रिंटिंग में आपने देखा होगा, किसी भी सब्जेक्ट को ऑफसेट पहले क्या करता है, उल्टा करता है, उल्टा करके फिर उस लेटर को प्रॉपर तरीके से मुझे सीधा प्रिंट करके देता है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी हमारा प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो प्रिंट आप सामने से यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपको उल्टा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको उल्टा दिख रहा है, स्क्रीन तो इधर से सीधी होती है तो इधर से मुझे सीधा दिखना चाहिए ना, लेकिन वो चीज मुझे यहाँ से देखिए उल्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जब हम इस फ्रेम को जब हम उल्टा करेंगे तो जो हमारा 5 स्टार फिल्म है जिसपे एक्सपोज किया हुआ है मैटर, वो यहाँ से मुझे सीधा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए ऐसा होता है कि जो हम प्लास्टिक शीट या जो टेक्नोवा शीट इस्तेमाल करते हैं वो हम पॉजिटिव वे में बनाते हैं, और उसे पॉजिटिव वे में ही हम उसको रखते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, जो सीधा हिस्सा होता है वो सीधी तरफ ना रख के इस स्क्रीन का उल्टी तरफ से रख देते हैं। यानी कि जो मैटर मेरा सीधा है तो पॉलीथिन का जो प्लास्टिक कोटिंग जो हिस्सा होता है वो हम मैटर के ऊपर रखते हैं, और विदाउट मैटर के ऊपर हम पीछे से उसमें दफ्ती है कुछ ऐसे हार्ड चीजें लगा देते हैं जिससे कि हम प्रॉपर उसमें दाब दे सके। इसके बाद लाइट में, अब इसके बाद इसके एक्सपोजिंग के भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। इस साल आप इलेक्ट्रॉनिक विधि से, किस विधि से, इलेक्ट्रॉनिक विधि से इसको एक्सपोज करना सीखेंगे। अभी तक आपने इसको सन के माध्यम से एक्सपोज किया था, इस साल आप इसको लाइट मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होगी हमारी एक्सपोजर मशीन यूनिट, वो उसके माध्यम से आप एक्सपोज करना सीखेंगे यहाँ पर। तो इसे जब हम यहाँ पर एक्सपोज करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, तो अभी हमने मान लीजिए सन से मैंने एक्सपोज कराया, तो सन की जो फ्रिक्वेंसी है, जो उसका आपका टेम्परेचर है, उसके अनुसार 20 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी सुटेबल है मुझे वहां पर, तो उसके माध्यम से हम उसे वहां पर एक्सपोज करा लेते हैं। मान लीजिए 2 मिनट मैंने एक्सपोज कराया सन के अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग, तो
उसके बाद में फिर इसे हम डार्क रूम में ले आते हैं। फिर उस डार्क रूम में हम एक तरफ गर्म पानी, एक तरफ सोलूशन यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोलूशन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोलूशन की सहायता से हम इस फिल्म को एक्सपोज होने के लिए डाल देते हैं विद इन 4 से 5 मिनट के लिए। इसके बाद में हल्का गुनगुना पानी, जैसा हम नहाने में यहाँ पर यूज करते हैं, जैसा हम यहाँ पर अपने नहाने के पर्पस से हम यहाँ पर यूज करते हैं, वैसे ही हम इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि फिल्म हमारा डिस्ट्रॉय ना हो। और इसके बाद में 4 से 5 मिनट के बाद उस स्क्रीन को चिमटियों की सहायता से पकड़कर या साइड कोने एजेस को पकड़कर हम उसे वहां पर पानी में डाल देते हैं। और पानी में डालने के बाद में ऊपर से मग की सहायता से भी फोर्स के साथ पानी डालते हैं। तो डालने के बाद में देखिए यहाँ पर जैसा ये एक्सपोज कराया गया था कि लेटर एक्सपोज ना हो बैकग्राउंड एक्सपोज हो, इसमें बैकग्राउंड एक्सपोज ना हो लेटर एक्सपोज हो। तो जिस तरीके का ये मैटर यहाँ पे रखा गया था यहाँ पे ये, तो उस तरीके से यहाँ पर इसको एक्सपोज किया गया है। तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड प्रिंट होगा, यहाँ पे हमारा लेटर प्रिंट होगा। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर ये चीज दिखाई देगी यानी कि यहाँ जब हमारा रेड होगा तो ये हमारा व्हाइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्यों व्हाइट आ जाएगा, चूंकि इस पे रेड आ जाएगा तो ये हमारा व्हाइट पोर्शन छूट जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन जो भी जिस कंडीशन में हमें उसको वहां पर यूज करना होता है, कौन सा लेटर मुझे एक्सपोज करना है, कौन सा नहीं एक्सपोज करना है, कौन सी डिजाइन को कहाँ पे मुझे कैसा करना है, वो हमारे यानी डिजाइनर के ऊपर निर्भर करता है, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर। इसके बाद में जब वो फोर्स डालता है तो इस तरीके से देखिए आपका वो तैयार हो जाता है, सारे लेटर वहां पे खुल जाते हैं जैसे गर्म पानी में आप उसको डालते हैं। और इस तरीके से ये हमारी जो स्क्रीन है यहाँ पर तैयार हो जाती है। और एक चीज, केमिकल में स्क्रीन को डालते समय हम मुझे यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि जो पॉलीथिन वाला जो हिस्सा है वो केमिकल की तरफ रहेगा। अब केमिकल में तो पूरा फिल्म डूबेगा, तो सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि सर जब केमिकल में पूरा हमारा फिल्म जाता है तो फिर हम कैसा भी वहां पर डाल दें? नहीं, देखिए केमिकल क्या है ना, जब आप पॉलीथीन का हिस्सा जब आप नीचे रखेंगे तो केमिकल का असर ऊपर से होगा। केमिकल में जब जाता है तो जो ऊपर का हिस्सा है वहां से होगा, इसी वजह से पॉलीथीन का हिस्सा नीचे रखा जाता है, नहीं तो फिर सारे जो लेटर्स हैं हमारे वो वहां पर केमिकल में कट जाएंगे, इस वजह से हम पॉलीथीन का हिस्सा नीचे रखते हैं। ठीक, जब हम गर्म पानी में रखते हैं तो गर्म पानी में भी जो हमारा हिस्सा होता है पॉलीथीन वाला वो हिस्सा नीचे ही रखते हैं, ठीक है। इसके और ऊपर से हम उसको फोर्स करते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि उधर से पॉलीथीन आपका बना हुआ है और यदि आप उधर से फोर्स से पानी डालते हैं तो वो पॉलीथीन की वजह से लेटर में जाएगा नहीं, और उल्टा जब इसको आप रखेंगे यहाँ पर तो सारा फोर्स हमारा लेटर में ही जाएगा, तो वो चीज प्रॉपर वहां पे हमको नजर आएगी कितना हमारा मैटर अच्छे से वहां पर एक्सपोज हुआ है, ठीक है। इसके बाद गर्म पानी से निकालने के बाद में फिर नॉर्मल पानी जो आपका नल का, समरसेबल का, जो भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे उसको वॉश कर देते हैं जिससे कि प्रॉपर केमिकल का असर जो है वो समाप्त हो जाए और स्क्रीन प्रॉपर से धुल जाए। इसके बाद में फिल्म को वेट यानी कि गीली अवस्था, जो हमारा वेट होता है यानी कि शुष्क या गीला, गीली अवस्था में ही हम उसे स्क्रीन, आप देख रहे होंगे स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर चिपका देते हैं। तो ये हमारा जो आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्क्रीन सीधा है और उधर से उल्टा है। तो अब जो पॉलीथीन वाला जो हिस्सा है मुझे बाहर की तरफ रखना है और विदाउट पॉलीथीन वाला हिस्सा मुझे अंदर की तरफ पेस्ट करना है। पेस्ट करते समय पॉलीथीन वाला हिस्सा बाहर होगा और वो हिस्सा अंदर होगा, यानी कि इस सरफेस में नॉन पॉलीथीन वाला जो हिस्सा है वो चपकेगा, ठीक है। चपक गया इस तरीके से, यहाँ पर ये आपका पेस्ट हो गया, दिख रहा होगा आपको। पेस्ट होने के बाद में जब हम यहाँ पर इसको गीला रहता है तो
इसको ड्रायर से या फैन में, या न्यूज जो हमारा न्यूज पेपर होता है, न्यूज पेपर की सहायता से, इसकी न्यूज पेपर की सहायता से, बोथ साइड ऐसे न्यूज पेपर रखकर, और ऊपर से किसी भी चीज को ऊपर से, यानी कि इस तरफ से हम इम्प्रेशन देंगे इस तरीके से, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इसे यहाँ पर रखा इस तरीके से, तो इस तरीके से रखकर बोथ साइड नीचे भी पेपर लगाएंगे और इसके ऊपर भी इस तरीके से पेपर रखेंगे, और पेपर रखने के बाद में उसे हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से उसको हम पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद देखेंगे कहीं बबलिंग तो नहीं है, कहीं पानी तो अतिरिक्त नहीं आ गया, और लाइट वेट ज्यादा वेट नहीं देंगे क्योंकि उसमें स्क्रीन आपका इधर से उधर जाने का डर रहता है, या स्क्रीन में आप देखते होंगे, जैसे ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए, अभी ये देखिए, जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी प्रिंटिंग में दिक्कत आती है, और एक भी ताना बाना स्क्रीन से आपका, देखिए ये आपका धागा है, इससे बना हुआ आपका स्क्रीन, तो एक ही रेशा यदि आपका इधर से उधर हो गया तो आपका स्क्रीन खराब हो जाएगा, आप देख रहे हैं इस तरीके से, आप जूम करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे स्क्रीन ये ऑलरेडी देखिए खराब है, ये देखिए, ठीक रहा है, ये देखिए, तो ये कंडीशन यहाँ पे नहीं अप्लाई होनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे बेसिकली ये ध्यान देना होता है कि हमको उसको प्रॉपर से यहाँ पर पेस्ट करना होता है, जैसे यहाँ पे देखिए स्क्रेच लगा हुआ है, तो ये स्क्रेच नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है, ये सिर्फ प्रोफेशनल काम, कोई भी काम करें उसको प्रोफेशनल दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उसको इस बारीकियों पे ध्यान देना चाहिए, तो इसके लिए हमें यही है कि उसको अच्छे से प्रॉपर पेस्ट करना होगा, और बार बार अपने न्यूज पेपर को पलटना भी होगा, क्योंकि न्यूज पेपर आपका रफ पेपर पे होता है, तो यदि रफ पेपर इस पे भी लग गया तो वो पेपर इस पे चिपक जाएगा, आपकी स्क्रीन को प्रॉपर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, तो उस पेपर को भी आपको बदलते रहना चाहिए जिससे कि वो अच्छी तरीके से सूख जाए, सूखने के बाद में आप फैन में या ड्रायर से, या आप उसको हल्की सनलाइट में भी वहां पर रख देंगे तो वो प्रॉपर आपका सूख जाएगा, सूखने के बाद में आप सीधे हिस्से पे आ जाएंगे, और जब आप सीधे हिस्से पे आएंगे तो यहाँ जो पॉलीथिन वाला हिस्सा होगा, आप किसी भी कोने से, आप देखिए जैसे ये कोना है, आप ये चार कोने आपके यहाँ पर बनेंगे, जैसे एक ये बना, आप किसी भी कोने से धीरे से, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे टेप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो टेप लगा हुआ है यहाँ पर आपका, तो इस जैसे टेप लगा हुआ आप टेप को निकालते हैं, जैसे मान लीजिए ये टेप लगा हुआ, ठीक है, इस टेप को आप ऐसे जैसे पकड़ रहे, धीरे से इस तरीके से आप उसको निकालेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप निकालेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से पॉलीथिन आप धीरे से निकाल देंगे, और निकालने के बाद में यह मैटर आपका प्रिंट के लिए यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है, और प्रिंट की बात करते हैं अब हम लोग आगे आकर, अब प्रिंट कैसे करेंगे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए यहाँ पर मुझे इस नेस्कैफे को यहाँ पर प्रिंट करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर इस नेस्कैफे को प्रिंट करना है, तो उसके लिए इंक है हमारे पास में यहाँ पर, आप ये इंक देख रहे होंगे, ये हमारे पर पीबीसी सुपर इंक है जो कि मजेंटा इंक है, इस तरीके से आप CMYK में पीबीसी भी ले सकते हैं, ग्लॉसी में भी ले सकते हैं, प्लॉटर में भी ले सकते हैं, बस पीबीसी की खासियत ये है कि जैसे ही आप इस प्रिंट को निकालेंगे तो 2 से 3 मिनट, मतलब कुछ ही सेकंड में, बल्कि 1 मिनट के अंदर ही ये प्रिंट हमारा सूख जाता है, और कम समय में हम कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा वर्क यहाँ पर हम दे सकते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर पीवीसी सुपर इंक का प्रयोग हम लोग वहाँ पर करते हैं, मान लीजिए इस इंक का प्रयोग मैंने किया, और इस इंक को यहाँ पर मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और इस इंक को यहाँ पर रख दिया, और इस फ्रेम को एक फ्रेम में कसा जाता है, जो हमारा जी क्लिप फ्रेम होता है यहाँ पर, तो जी क्लिप फ्रेम की सहायता से उसे हम यहाँ पर कसते हैं, और कसने के बाद में ये फ्रेम इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ऐसे, ये जो फ्रेम है हमारा इस तरीके से वो यहाँ पर ऐसे रोटेट होता है, तो ऐसे ये भी होगा,
नीचे हमारा यहाँ पे पेपर होगा, जिस पेपर पे मुझे प्रिंट करना है। पेपर कोई भी हो सकता है, नॉर्मल पेपर, रफ पेपर, ग्लॉसी पेपर, कार्टेज पेपर, जिस पेपर पे आप इम्प्रेशन लेना चाहते हैं पहले, तो आप उस पेपर को लगा लेंगे इसका। और उसके बाद ये हमारे पास में एस्क्यूजी है, और ये आप देख रहे हैं। और इस एस्क्यूजी की सहायता से आप, जैसे ये यहाँ पे एस्क्यूजी रखी है, तो फिंगर को देखिएगा ध्यान से, आपको ऐसे रखना है और सीधा आपको लाना है, ऐसे रखना है यहाँ पे और सीधा आपको लाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आप दांत ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे करके उसको ऐसे कर देंगे, देखिए इस तरीके से ऐसे कर देंगे, तो जो इम्प्रेशन यहाँ से आप ऐसे कर रहे हैं, तो वो इम्प्रेशन आपका उस पेपर में आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो आप ऐसे जितने भी प्रिंट निकालना चाहते हैं, 100, 500, 200, आप एक ही बार में उस प्रिंट को वहां से प्रॉपर तरीके से आप उसे हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, और प्रिंट हमारा रेडी हो जाएगा देने के लिए। तो इस तरीके से हम 5 स्टार फिल्म की सहायता से किसी भी प्रिंट को यहाँ पर हम तैयार करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट। ओके। आप इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जया, शोभना, यस नो सर। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपको कुछ मिस हो गया हो या कुछ आपको समझ में ना आया हो बोलते समय या नेटवर्क की वजह से, तो आप लोग इस पे डिस्कस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का नो सर। आ नो सर। गया सभी को समझ में? यस अच्छा, सर। तो बताइए टेक्नोवा सीट में हम किसी भी इमेज को पॉजिटिव भी क्यों बनाते हैं, नेगेटिव भी तो बना सकते हैं? सर अगर क्योंकि फाइव नेगेटिव बनाएंगे तो फिर जो वो होगी मतलब प्रिंट करने वाली जो वो या जैसे फिर सर अगर हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो फिर नेगेटिव बनाते हैं तो इसलिए पॉजिटिव निकलती है, अगर पॉजिटिव बना देंगे तो फिर नेगेटिव आएगा ना फाइनल रिजल्ट। और मान लीजिए यदि जैसे नेगेटिव बनाते हैं और उधर हम फिल्म को हम जो रोटेट कराते हैं यहाँ पर, कि उसे हम उल्टा कर देते हैं फिल्म को अपने, और फिल्म को सीधा रख दें और उधर नेगेटिव कर दें, तो भी तो बन जाएगा। मतलब जैसे मैंने पॉजिटिव रखा वहां पे किसी भी टेक्नोवा शीट में, जो मैं इमेज को मुझे प्रिंट करना है, उधर हम अपने फिल्म को देखिए रोटेट करा देते हैं, यानी कि जो पोर्शन इधर होता है उसको ऊपर कर लेते हैं, जो ऊपर पोर्शन है उसको नीचे कर लेते हैं। यदि हम टेक्नोवा सीट को यही स्थिति में टेक्नोवा सीट को नेगेटिव बना के रखते हैं और उसको हम ना रोटेट करें, तब सर आप कह रहे हैं 5 स्टार फिल्म में जो पॉलिथीन वाली साइज है उस तरफ हम फिल्म को एक्सपोज करें, हाँ तो सर पॉलिथीन वाली साइड पे एक्सपोज कैसे होगा सर? वो तो फिल्म सनरेज पॉलिथीन पे देखिए, आपको हमने तो वापस। पहले भी बताया है कि फिल्म को आप किसी भी जगह से आप एक्सपोज करा सकते हैं, यानी कि किसी भी साइट से आप एक्सपोज करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस तरफ पॉलिथीन वाला हिस्सा नहीं है उधर से फिल्म एक्सपोज नहीं हो सकती है, फिल्म दोनों साइड से एक्सपोज हो सकती है, ये मैंने बताया। तो पर सर फिल्म अगर हमारे दोनों साइड से एक्सपोज होगी तो पर वो स्क्रीन पे नहीं चिपकेगी ना पॉलिथीन वाली साइड। देखिए, ये डिपेंड नहीं करता है कि हम एक्सपोज किधर से कर रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि जब केमिकल में हम उसको डालते हैं, तो केमिकल में डालते समय हम पॉलिथीन वाला हिस्सा इसलिए नीचे रखते हैं
जिससे कि केमिकल का जो असर है जो हमारे फिल्म पे होगा वो सिर्फ लेटर्स पे हो, ओवरऑल पूरी फिल्म पर ना हो, नहीं तो पूरी फिल्म उसमें क्या हो जाएगी, कट जाएगी। भाई क्या करता है केमिकल, अक्सर लेटर्स को जो फिल्म में एक्सपोज हुआ है उनको मतलब कि जो लेटर्स है उनको काटने का काम करता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड जो केमिकल है हमारा, उन लेटर को इम्बोस करता है, उभारता है, उनको वहां से गलाता है, और जैसे ही हम गर्म पानी में डालते हैं तो वो वहां से वो हट जाता है। भाई जो कोई चीज है आपने ऐसे किया, आपने गर्म पानी डाला तो वो चीज देखिए छूट जाती है, तो वो चीज वहां से गर्म पानी का मतलब है कि उस चीज को वहां से मुझे छुटाना, तो ये चीज मुझे बेसिकली रूप से वहां पर देखना होता है। और बताइए। डिस्कस किए, सही बता रहे थे। देखिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, आप लोग ने कहा कि समझ में आ गया। तो नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव कहाँ बनाना होता है, तो हम जो भी इमेज प्रिंट कर रहे होते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव रूप में होता है, तो उस पॉजिटिव रूप को मुझे पॉजिटिव में ही छापना है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव को पॉजिटिव में नहीं छाप सकते हैं, तो उस पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए मुझे फिल्म को उल्टा कर देना होता है, और जब हम फिल्म को उल्टा कर देते हैं और जब उसको उल्टा करके हम सीधी साइड से चिपका देते हैं तो जो फ्रेम का जो अपोजिट हिस्सा होता है वो मुझे वहां पर सीधा वहां से सीधा देखने लगता है, यानी कि हमको जिधर से प्रिंट करना है यदि वो हिस्सा मुझे सीधा दिखाई देगा तो मैटर हमारा जो छपेगा वो सीधा दिखाई देगा, और यदि प्रिंटिंग के साइड से जो लेटर्स मुझे अपोजिट दिखाई दे रहा है तो वो मुझे वहां पर अपोजिट ही दिखाई देगा, यानी कि जैसा हिस्सा, कहने का मतलब ये है कि जैसा हिस्सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्रिंट में वैसा ही आएगा, इसलिए हम उसको वहां पर रोटेट कराते हैं, रोटेट नहीं कराएंगे तो वो फिर वैसे ही छपेगा, यानी कि मतलब उल्टा। सर, हम लोग टेक्नोवा शीट पे पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरीके से बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो फिल्म है फिल्म का रोटेशन बदल सकते हैं, यहाँ पर हम फिल्म का रोटेशन बदल सकते हैं, हम आपको बताएंगे जो अभी जो मैनुअल जो प्रोसेस मुझे बताना है पीबीए टू ब्राइकोमेट, जब हम पीबीए के में ब्राइकोमेट जब हम लगाते हैं तो जब हम उसे वहां पर यूज करते हैं तो वहां पर हम टेक्नोवा को उल्टा ही यूज करते हैं, यानी कि बनाते तो सीधा ही है लेकिन टेक्नोवा को एक्सपोजिंग जब हम लाइट से एक्सपोज करते हैं तो वहां पर टेक्नोवा को सीधा रखकर हम उसको उल्टा कर देते हैं पहले से ही, तो जब हम उल्टा रख देते हैं तो वो उल्टी साइड से वो सीधा मुझे वहां पर दिखने लगता है, तो इससे ये पता चलता है कि प्रिंट जो हमारा है वहां पर मुझे सीधा ही वहां पर मुझे वहां पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये कुछ टेक्निक्स हैं, तो आपने एक टेक्निक्स के बारे में जानना है तो इसको विधिवत रूप से जानना जरूरी है, इसके बारीकियों को जानना जरूरी है, और इसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे यानी जब इसको सीख लेंगे तो क्रोमोलिथोग्राफी जो हमारी फिल्म होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे, और इसके बाद में फिर हम लोग मैनुअल प्रोसेस। अब अभी तक हम सभी ने यहाँ पर एक कलर से प्रिंटिंग किया था, कितने कलर से प्रिंट किया था, एक कलर से हम लोगों ने यहाँ पर उसे प्रिंट किया था, अब हम क्या करेंगे उसे दो कलर में प्रिंट करेंगे, यानी कोई भी लोगो हो, कोई भी इलस्ट्रेशन हो, या कोई विजिटिंग कार्ड हो, या शादी के कार्ड्स हो, या पंपलेट्स हो, अदरवाइज कुछ भी जो भी स्क्रीन से पॉसिबल है प्रिंट होने के लिए उन सभी के हम यहाँ पर दो फॉर्मेट्स ले सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट्स ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, सीएम भी ले सकते हैं, या वाई के भी ले सकते हैं, या सी वाई भी ले सकते हैं, या एम वाई भी ले सकते हैं, हम कोई भी यहाँ से स्कीम ले सकते हैं दो कलर की, और उस दो कलर में हमें दो स्क्रीन बनानी पड़ेंगी, कितनी स्क्रीन बनानी पड़ेगी, अभी तक हम लोग एक स्क्रीन का प्रयोग करते थे, अब उसमें एक स्क्रीन और दो स्क्रीन, यानी कि एक स्क्रीन से दो कलर में प्रिंट करना
या दो स्क्रीन से दो कलर में प्रिंट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर दो स्क्रीन दो कलर, एक स्क्रीन दो कलर में प्रिंट कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हम अपने इमेज को या प्रिंट होने वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर दो कलर में कैसे प्रिंट करेंगे जिससे वो और खूबसूरत है। एक कलर में था तो एक ही कलर में आता था तो वो सिंपल लगता था, ये तो उसी में हमारे दो या तीन या चार कलर हो जाएंगे तो वो बिल्कुल हमारा डिजिटल जैसा मुझे लगने लगेगा, तो वो भी बहुत देखने में ब्यूटीफुल लगेगा। तो ब्यूटीफुल लगे है ना, तो ब्यूटीफुल लगे तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्क्रीन दो स्क्रीन तीन स्क्रीन, तो वो स्क्रीन कैसे बनाएंगे तो उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं जो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस होंगी उनमें करेंगे, क्योंकि उसको धीरे धीरे समझना है, क्योंकि जरा से भी कहीं पे भी उसमें मिस्टेक हो जाती है तो फिर हम उस प्रिंट को वहां पर नहीं निकाल सकते। ठीक है, आज आपको इतना समझ में आ गया? कोई यस सर, यस सर। अभी कोई डाउट उसमें? अभी बहुत से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं करता है, जब मैं कहता हूँ कि आप मुझसे डिस्कशन करें, आपको कोई कंफ्यूजन हो नेटवर्क की वजह से, या कभी कभी बोलते समय कुछ मैं जल्दी से बोल जाता हूँ, वो हो जाता है बोलते समय बाय डिफॉल्ट, तो कोई चीज नहीं कंफर्म आई हो उसमें आप नहीं बोल सके हो तो आप रिवाइज फिर से आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज पूछे जाने पर कोई किसी से भी, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, कोई ये ना कहे कि आप सर मुझे ये नहीं आता, मैंने क्लास नहीं ज्वाइन की थी या मेरा नेटवर्क खराब हो गया था, तो फिर वहां पे हमको भी खराब लगेगा और हम कुछ कहेंगे तो आपको भी खराब लगेगा। तो ऐसी परिस्थितियां ना बने इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, चूंकि ऑनलाइन माध्यम से क्लास चल रही है तो नेटवर्क का इशू रहता है कभी वॉइस का, तो मैं हर तरीके से एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, लेकिन आप उसको प्रॉपर तरीके से रीड करें, उसको स्टडी करें जिससे आप उस सब्जेक्ट पे अपनी कमांड कर सकें, क्योंकि बाद में यही होता है, मैं 5 साल से देख रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? पूछे जाने पर जवाब देंगे ना सभी लोग? जवाब यस सर, मिलना चाहिए सभी का, ठीक है ना? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल इस क्लास के एंड होते ही मैं भेज दूंगा, और वो जो क्लास होगी हमारी फोटोग्राफी की क्लास होगी, हम लोग फोटोग्राफी के जो एक्सटर्नल और भी चीजें हैं आज उनके बारे में लिखेंगे भी और जानेंगे भी। ठीक है, जब तक के लिए क्लास इज ओवर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सर। यू, ओके।